बीती रात करवा चौथ पर सभी सुहागनों ने चांद देखकर अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की। इसके बाद हर सुहागन यह भी कामना करती है कि अगले वर्ष करवा चौथ फिर खुशियों भरी यादगार शाम लेकर आए। लेकिन यूपी पुलिस में तैनात एक महिला हेड कांस्टेबल फिर कभी करवा चौथ की शाम याद नहीं करना चाहेगी, क्योंकि एक वैसी दरिंदे ने चौथ की पूजा के लिए घर जाते वक्त उसे अपनी हवस का शिकार बना डाला। खुद को दरिंदे से बचाने के लिए पीड़ित हेड कांस्टेबल ने तमाम कोशिशें की, यहां तक कि उसकी उंगली भी चबा डाले जिसमें पीड़िता का एक दांत भी टूट गया। लेकिन हैवानियत के आगोश में दरिंदे ने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे ही दिया। शोर मचाने पर आरोपी वहां से भाग निकला। आरोपी दरिंदा भी महिला के गांव का बताया जा रहा है। बताते हैं देर हो जाने के चलते पीड़ित महिला हेड कांस्टेबल ने उससे लिफ्ट मांग ली थी। सनसनीखेज मामला यूपी के कानपुर का बताया जा रहा है। महिला हेड कांस्टेबल के साथ हुई शर्मसार करने वाली वारदात से हड़कंप मच गया है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़िता की निशानदेही से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यहां के थाना सेम पश्चिम पारा की रहने वाली हेड कांस्टेबल की अयोध्या में पोस्टिंग है। महिला हेड कांस्टेबल करवा चौथ का पर्व मनाने के लिए शनिवार को अयोध्या से कानपुर अपने गांव पहुंची थी, जहां सड़क पर उतरकर उसे अपने गांव पैदल जाना था। इस दौरान महिला कांस्टेबल सादे कपड़े में थी। गांव से पहले एक सुनसान खेत के पास जैसे ही महिला हेड कांस्टेबल पहुंची, एक युवक अचानक आया और उसको जबरदस्ती खींचकर खेत में ले गया। अचानक से हुई इस वारदात से महिला सदमे में आ गई, जिस पर महिला कांस्टेबल ने विरोध किया, लेकिन उसने उसके कपड़े फाड़ डाले और उसका रेप करने लगा। इस दौरान महिला सिपाही ने विरोध करते हुए उसकी एक उंगली चबा डाली, जिसमें महिला सिपाही का एक दांत भी टूट गया। महिला की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग दौड़े तो युवक भाग गया। पीड़ित महिला कांस्टेबल ने पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस गांव पहुंची और महिला की शिनाख्त पर रेप करने वाले आरोपी धर्मेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। घाटमपुर एसीपी रंजीत कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि महिला सिविल ड्रेस में अपने घर जा रही थी, तभी रास्ते में सुनसान जगह पाकर आरोपी ने उसको जबरदस्ती खेत में खींच लिया और उसका रेप कर दिया। मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक महिला हेड कांस्टेबल जो कि पुलिस लाइन अयोध्या में तैनात है, ये अपने ससुराल से पश्चिम पारा में एक गांव है वहां जा रही थी और रास्ते में इन्हीं के गांव का एक व्यक्ति जो कि मोटरसाइकिल से था उससे लिफ्ट ली उन्होंने और रास्ते में जो है उसके द्वारा इनके साथ बदतमीजी की गई, दुष्कर्म किया गया और उस पर जो है वो इनके द्वारा भी उससे जो है वो अपने आप को बचाने के लिए मारपीट की गई, जिसमें उसकी उंगली भी चोटिल हो गई है। तत्काल इन्होंने जो है वो लोकल पुलिस चौकी पे जाकर के अपना पूरा प्रकरण बताया, जिसपे लोकल चौकी इंचार्ज ने जो है वो सर्च ऑपरेशन चला करके उस व्यक्ति को जो है वो अरेस्ट कर लिया था। अभियोग पंजीकृत इसमें किया गया है, मेडिकल परीक्षण महिला का कराया जा रहा है और जो एक्यूज था उसको अरेस्ट करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया, जो जेल भेज दिया गया।